बाबू तुझे खीर बहुत पसंद है ना, एक बार चला गया तो तुझे खीर कौन खिलाएगा? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कटे हो तुम दोनों। बापू आज के दौर में जहां बड़े से बड़े रिश्ते फीके पड़ने लगे, जहां रिश्तों की कद्र और बड़ों की अहमियत कम हो रही है, वहीं राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बेटा अपने खोए हुए माता पिता को ढूंढ रहा था। कहां गए थे उसके माता पिता? क्या वजह थी जो वो इस कदर परेशान था? और उस दिन केशव ने पहाड़ी में ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो सन्न रह गया? कौन से गांव से हैं आप लोग? सर हम भीनमाल से हैं। ये केशव है, इसके सारे परिवार वाले भीनमाल से ही हैं, पर अब इसके माँ बाप लापता हैं। लापता है? कब से लापता है? ये तो मैंने भी नहीं मालूम साहब, मैं तो 6 साल से अठे था ही नहीं। बम्बई में रिक्शा चलाता हूँ और जब 6 साल बाद वापस लौटा तो रेती मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? कल आ जाएगा मैम। पक्का? एकदम पक्का। ध्यान रखना। घड़ी खम्मा सरला दीदी। खम्मा घड़ी, कैसे हो केशव? आ गए मुंबई से? अरे मुझे तो लगा था कि तुम शादी करके ही वापस आओगे। आप भी ना दीदी, बिल्कुल भी नहीं बदली। कैसे हो केशव? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विनोद भैया, आप कैसे हो? सब बढ़िया। कब आया मुंबई से? मैं बस अभी चला आ रहा हूँ। चल अच्छा हुआ, ठीक है तो सरला से बात कर, मैं थोड़ा काम देख के आता हूँ। और बता माधव और बाकी के घर वाले कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है दीदी। 2 दिन पहले मिला था मुझे, तो एनजीओ के काम से आजकल शहर में ज्यादा रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ की खबर नहीं रख पाती। अब गांव में पानी जो लाना है तो शहर के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे ना। अरे दीदी, जितना आप इस गांव के लिए करती हो उतना आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता। अभी के लिए बजाऊं, फिर आता हूं कभी फुर्सत में आपसे मिलने। ठीक है। अच्छा गुड्डू, गुड्डू तू गुड्डू है ना? अरे इतना तो बड़ा हो गया है, मैं गया तो जब तू 1 साल को थो। कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे मैं तेरा काका। आप मेरे काका हो? हाँ। अम्मा, अम्मा देखो काका आए हैं। अम्मा देखो काका आए हैं। अरे केशव, अचानक अटे, ना कोई खबर ना कोई संदेश। अरे भाभी साहब, मैंने सोचो की जब अपने घर जा रहे हैं तो खोज खबर देने की क्या जरूरत है। अरे केशव अचानक आ गयो और बताया भी नहीं। घड़ी खम्मा भाई साहब, घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा। खैर जाने दे, वैसे तू कौन सा पूछ के गया था मुझसे? भाभी साहब, माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे, कटे बाहर गए हैं कहीं। तने बताया नहीं केशव ने? अरे माँ बाबू साहब तीरथ पे गए हुए। तीरथ पे? हाँ। कब चले गए तीरथ पे और यूं अचानक? अरे आप नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? अरे मतलब क्या बोल के गए हैं, वापस आने को क्या विचार है? देख उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा, ये बता तू यहाँ कब तक है? मैं तो बस इसी महीने के लिए हूँ। क्यों? अरे कुछ नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनको आने में काफी वक्त लग जाएगा, थारे जाने के 20-25 दिन बाद ही आवेंगे वो लोग। अरे भाई साहब, पर आपने उन्हें ऐसे जाने ही क्यों दिया? इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं उन्हें तीरथ करा लाता। देख के सब जूल की बात ना कर मारे से, 5 महीने में एक बार फोन करता है, 6 साल में अब शकल दिखाई है तने। हर इसके उम्मीद रखूं है, और तुझे माँ बापू की इतनी चिंता होती ना तो तू यहाँ से कभी जाता ही नहीं। चल केशव, फटाफट हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म बाजरा की रोटी और साग बनाऊं। चल भीतर आ फटाफट। राम राम काका।
अरे कैसे हो, तू कहता है बम्बई से? आज ही आया हूँ काका। हाँ बैठ। कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। और घर में काकी और आपको बेटो मोनू, वो दोनों कैसे हैं? बेबी ठीक है, मोनू तो सरपंच के कारखाने में काम करे। अच्छा हाँ। अच्छा काका एक बात बताओ, थे मैंने फोन पे बताया हो कहीं नहीं के माँ और बापू दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल गए? वो अरे भाई मैं सोचो कि तू बंबई में तो भी यहीं काम कर रहा है, दिन भर तो व्यस्त रहे भागा दौड़ी का मायने, तू भी यहीं परेशान रहे तो बस ये वास्ते कोनी बताया, कोई खास बात कोनी। अच्छा कितने वक्त हो गए उनको निकले हुए? वो भाई एक काम कर, कैसे तू घर आना, हमारे ग्राहकी का टाइम है। ठीक है काका। सदानंद के जमीन पर उका दोनों बेटाओं को ही अधिकार है, औरतों को जायदाद में हिस्सा ना मिले। ठीक है, खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी। जय केशव है, मुंबई से वापस आ गए हो, सोचा आपके पांव छुआ दूं। चल घड़ी खम्मा हुकुम। क्या भी भगोड़े, मैंने तो लागो शहर से हीरो बन के वापस आएगा, थारे बदन पर तो रफू किया कपड़ा है। अब यही रहेगा, वापस जाएगा? वापस तो जाना है हुकुम, और वैसे भी मैं अठे अपने माँ बापू से मिलना आया था, और अब वो तो है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है आ जा के सब। आ चल। लाओ काका मैं मदद कर दूं। नहीं बेटा, अरे बराबर है, मैं कर लूंगा। अरे ला काका मैं हाथ लगा दूंगा। काका ओ काका। हाँ काका, आप तो मुझे बचपन से जानो हो। हाँ बेटा। और आपने मुझे गोद में भी खिलाया है। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? काहे पूछनी चाहे, मारे माँ बापू कटे गया काका, मुझे तो लाग रही हो जैसे ये पूरा गाँव हमारे से झूठ बोल रही हो। आप ही बताओ कहाँ है मेरे माँ बापू? कुछ दिनों पहले गांव में महामारी फैल गई थी, और जितने भी लोग महामारी के शिकार थे ना, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गांव की भलाई के लिए। क्या? अरे ऐसे कैसे कोई मेरे माँ बापों को गांव से बाहर निकाल सकता है, इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? जहाँ तक मुझे पता है, गांव के बाहर जो पहाड़ी है ना, वो उसके पास रुके थे। माँ बाबू चल 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 मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कटे हो तुम दोनों। चल 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 चल। बापू
आपने जो देखा होगा उसे देखकर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस से रूबरू कराएंगे जहां राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ लोगों को झोपड़े में बंद करके जिंदा जला दिया गया। आखिर कोई इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करने वालों के दिल में जरा सी भी दया नहीं बची थी? आखिर क्यों इन लोगों को जिंदा जला दिया गया? क्या गांव में फैली महामारी ही इस अपराध की वजह थी जो इस कदर बर्बरता से इन गांव वालों को मार दिया गया? क्या इस अपराध के पीछे कोई एक इंसान था या फिर पूरा का पूरा गांव ही इस घृणित अपराध में शामिल था? दीदी, सारे गांव वालों ने हमारे साथ धोखा करा है। हमारे माँ बापों को इन लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया और अब गांव के बाहर वाली उस पहाड़ी में उन सारे लोगों की जली हुई लाशें मैंने देखी। अभी तो यही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। केशव, पक्का तूने ठीक से तो देखा? यही थी सब लाशें? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। माँ बापू और भी बहुत सारे जले हुए लोग थे यहाँ। झोपड़ा जला तो है, जरूर कोई बात है। मुझे लगता है पुलिस में खबर करनी चाहिए। सर, केशव का कहना है कि उसने वहाँ कई लाशें देखी, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ जले हुए झोपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। साहब जीते जी मैंने मेरा बाप बापू से किसी ने मिलने नहीं दिया, और अब तुम जब उस जगह पे पहुंचे तो वहां लगभग कितनी लाशें थी? लगभग 10-11। सुंदर सर, फौरन इनके गांव चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, लेकिन इनका गांव यहां से 60-70 किलोमीटर दूर है। जगह चाहे कितनी भी दूर, कानून हर जगह होना चाहिए। यही जगह है सर, यहीं पे देखा था मैंने। कुछ नहीं मिला है। सुंदर, हमें गांव के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। इस गांव के 60-70 किलोमीटर के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं, इसका मतलब बाकी के लोग भी इसी गांव के होंगे। बात अगर केशव के माँ बाप के मरने की होती तो मामला दुश्मनी का या पारिवारिक हो सकता था, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों के मरने की घटना, ये किसी और ही तरफ इशारा करती है। जी साहब। आग? नाना साहब, मारो तो उस तरफ कभी जाना ना होगे। मुर्गी किसी ना तो किसी के मुंह से सुनी हुए। माँ बाप की खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की? नहीं साहब, वो सरपंच जी ने फरमान जारी किया तो। कैसा फरमान? गांव के कुछ लोग अशुद्ध हो गए थे, सबको बीमारी हो गई थी, एक दूसरे को देख लेने से भी बीमारी फैल जाती थी, इसलिए गांव के सरपंच जी ने उन गांव वालों को गांव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। और ये भी कहा साहब कि अगर उनसे कोई मिलेगा तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए साहब हम कभी उधर जाते भी ना थे। ये बात है दरोगा साहब। अरे आप करो, हमारे गांव की तरफ कैसे? अब कुछ ठीक तो है ना? हम अक्सर वहीं दिखाई देते हैं सरपंच साहब जहाँ कुछ ठीक नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो, आज तक तो आप लोग कभी इस गाँव में आए नहीं थे, पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था क्या? गांव के बाहर एक झोपड़े में केशव ने कुछ लोगों की जली हुई लाशें देखी थी। इससे पहले कि ये किसी को कुछ बताता, किसने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। और अभी अभी हमें ये पता लगा है
कि कुछ दिनों पहले आपके हुक्म से कुछ लोगों को इस गांव से निकाल दिया गया था। हाँ, छुआछूत वाली बीमारी थी उनको, सारा गांव चपेट में आ रहा था उसके। देखिए, हम सरपंच हैं इस गांव के, गांव का भला और गांव वालों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, हमारी, इसीलिए हमने फरमान जारी किया था। हुक्म, वो पहाड़ी के पास तो अक्सर वो तांत्रिक ने देखे गए हो, जो 2 साल पहले नरबली वाला मामला में जेल गए हो, और पहाड़ी के पास तो वो कोई घर है, कहीं ये सारे मामले में उसी का तो हाथ नहीं है। ये किस तांत्रिक की बात कर रहे हो तुम? सही बोल रहा है, ये पागल है वो आदमी, हमें तो लगता है कि ये सारा उसी का किया कराया है। जाइए, उसे पकड़िए, इस गांव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके पीछे भागिए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र के लिए बलि तो चढ़े हैं। सुंदर, ये तांत्रिक जहाँ भी दिखाई दे इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर आओ। बीमारी की वजह से बेचारे गांव वालों को गांव से बाहर कर दिया गया। गांव में कोई अस्पताल, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है जिससे इनका इलाज हो सके। आखिर इन लोगों को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो एक दूसरे में फैल रही थी, और तांत्रिक ने इतनी सारी लाशों को कब गायब किया होगा? सर, शायद ऐसा हुआ होगा जब केशव पहली बार वहां पर गया होगा तो उसने उसे वहां देख लिया होगा, और केशव के जाने के बाद तांत्रिक ने सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया होगा। एक काम करो, अपने 2 कांस्टेबल्स को इस गांव में छोड़ दो, ये तांत्रिक जरूर किसी और को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश करेगा, और इसकी नरबली वाली फाइल्स भी निकलवाओ, पता करते हैं कि इसने और क्या क्या कारनामे किए हैं। सर, गांव वालों से पूछताछ करने पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक जवाब रटा सा दिया गया, और यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई गाँव है जहाँ कई किलोमीटर के रेडियस तक कोई कानून व्यवस्था नहीं है, और जहाँ कानून व्यवस्था नहीं होती वहाँ लोग अपना कानून बना लेते हैं। पुलिस के लिए फिलहाल इन 12 लाशों का राज सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सुलझाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई थी कि केशव की वजह से गांव में पुलिस का आना हुआ। केशव की दिलेरी की वजह से ही पुलिस को इन लाशों के बारे में पता चल पाया था, लेकिन कहीं इसी दिलेरी की वजह से केशव किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला था। रात से पता नहीं केशव कहाँ चला गया और अभी तक घर भी नहीं लौटा है। क्या साहब, हम दोनों पूरी रात इंतजार करते रहे लेकिन केशव का कोई अता पता नहीं चला। साहब, माधव के भाई केशव को पहचानते हो, जो भी मुंबई से आया है? जी हुजूर, केशव को तो मैं पहचानता हूँ, वो कल रात यही घूम रहा था, पर बड़ा परेशान सा लग रहा था। हुजूर, किस तरफ गया था वो? हुजूर, वो इसी तरफ गया था। ठीक है, तुम जाओ।
आखिर इतनी रात को केशव यहाँ क्यों आया होगा, वो भी इस जले हुए झोपड़े के पास, और इसके बाद वो गया कहाँ होगा? सर कहीं केशव भी तो उस तांत्रिक का शिकार तो नहीं बन गया? क्यों कर रहा है ये सब? क्यों नहीं सबकी जान? कहाँ है सबकी लाशें? बोल क्या हुआ साहब, क्या बात है? अच्छा तुझे पता ही नहीं क्या बात है? वो चाकू, उस पे लगा हुआ खून। बेटा तेरी सारी हिस्ट्री हमारे पास है, पिछले केसों से तू बच गया था मगर इस केस से नहीं बचेगा। बोल बोल क्यों मारा केशव को? साहब मैं क्यों किसी को मारूंगा, और आप किस केशव की बात कर रहे हो? तू इन सब मासूमों की बलि चढ़ा रहा था, और केशव वो है जिसकी बलि तूने कल चढ़ाई। बात को घुमा मत, जल्दी बता बता मामला क्या है। साहब वो लड़का जो कल मिला था तो तूने मारा उन सबको? तू पागल है क्या? ये क्या बोल रहा तू? तूने उन मासूमों की बलि चढ़ा दी जो उस दिन उस झोपड़ी में थे। तू मुझे गलत समझ रहा, मैं इंसानों की बलि नहीं चढ़ाता। अरे तो फिर ये क्या है? ये सब जानवर है। जानवर? हाँ, तुझे यकीन नहीं आता तो मैं बोरिया खोल के दिखाता हूँ तुझे। आ, देख। साहब, मैंने केशव को वो सभी जानवर दिखाए थे जिनकी बहन ने बलि चढ़ाई थी, फिर वो वहां से चले गए। तूने बोला और हमने मान लिया, अगर चला गया था तो घर क्यों नहीं पहुंचा? मुझे पता नहीं साहब, मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ जहाँ मैंने जानवर काटे थे। थोड़ा वहां से खोदो। सर यहाँ तो सारे जगहों से गड़े हुए जानवरों की लाशें मिली हैं। जानवर की लाश? वैसे उसके चाकू पे लगे खून की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो खून के निशान भी किसी जानवर के ही थे। सर अगर तांत्रिक ने कुछ नहीं किया तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है, और केशव कहाँ गया होगा? सुंदर इसी सवाल की गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। सुनसान इलाके में फैक्ट्री? चौधरी एक काम करो, इस फैक्ट्री पे ले लो। ए, दरवाजा खोल। क्या भाई ये फैक्ट्री बनता क्या? साहब उनसे पूछ लीजिए, वो सुपरवाइजर है। जी बोलिए। ये फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री तो सरपंच जी की है। किस चीज की फैक्ट्री है और इतनी बदबू क्या आ रही है? आपको जो कुछ ही पूछना है आप सरपंच जी से पूछ लीजिए। सब मेरी गलती है, रिश्तों का मोल समझ ही ना पायो। जिस तरह मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा वैसे ही मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचते रहे। देखो मासा, आप लोग यहाँ रुकोगे तो ये बीमारी सब में फैल जाएगी। वैसे भी गांव वाले सरपंच जी का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, और अंदर की बात तो ये है कि सारे रोगियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना कहीं ये बीमारी हम लोगों को ना लग जाए। और आप लोगों के लिए मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, हम लोग यहां से चले जाएंगे कहीं दूर। दीदी केशव के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं, अगर मैंने उसका ध्यान रखा होता तो वो मेरे साथ होता। सुंदर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है, पहले इतनी सारी जली हुई लाशें,
फिर अचानक से सारी लाशें गायब, और अब वो केशव जिसने आकर हमें सब बताया था वो भी गायब है। सर गांव से भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, पर गांव की कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जहां पर गांव के अधिकतर लोग काम करते हैं, और ये फैक्ट्री वहां के सरपंच की है। पर मैं जब उस फैक्ट्री में गया था तो वहां से बहुत बदबू आ रही थी, पता नहीं फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा था। शहर से इतनी दूरी पर फैक्ट्री का होना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने क्रॉस चेक किया है, सरपंच इस फैक्ट्री को गैर कानूनी ढंग से चला रहा है। सुंदर, हमें इस फैक्ट्री की छानबीन करनी चाहिए, शायद जिन लोगों की मौत जलने की वजह से हुई वो इसी फैक्ट्री में काम करते हो, और ये बीमारी उन्हें इस फैक्ट्री की वजह से ही हुई हो। इसका पीछा करो। चित्रा सुंदर सर, ये गैर कानूनी फैक्ट्री चलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, ताला लगेगा तुम्हारी किस्मत पर और इस फैक्ट्री पर। गांव के सभी लोग तुम्हारी फैक्ट्री में काम करते थे, जिनमें केशव के माँ बाप भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, अगर गांव छोड़ देने के बाद भी उनका तुमसे लेना देना है तो उनकी मौत की वजह में भी सिर्फ तुम्हारा ही लेना देना होगा। दरोगा साहब, जो मारो गांव है, मारी को यहाँ से लेके जाना इतना आसान ना है। आपको लेके तो जाएंगे ही सरपंच साहब, आज नहीं तो फिर कभी से। चलो सुंदर, स्पेशल फोर्स के लिए एप्लीकेशन भेजो, इन सब मौतों के पीछे सरपंच का ही हाथ है, इसे अरेस्ट करना ही होगा। सर साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ साहब, मैंने उनको भेजा था, इसके बाद ये सब। सर गांव के ऊपर मैंने शुरू से ही सरपंच का दबदबा देखा है, पर वो इस हद तक गिर सकता है ऐसा लगा नहीं था। सर आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, हमारी पुलिस चौकी आपके गांव से 70 किलोमीटर दूर है, और ये ज्यादा बड़ी पुलिस चौकी भी नहीं है। सरपंच के पास जितने लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमें और जवानों की जरूरत होगी। हमने स्पेशल फोर्स की मांग की है, वो अप्रूव होते ही हम सरपंच को गांव के बीच से उठा के लाएंगे। और जब से सरपंच को पता चला है कि उसका फांडा फूट चुका है, उसने गांव के आसपास अपने लोग भी बढ़ा दिए। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, मरने वाले सभी लोगों को टीबी की बीमारी थी, और उन सभी लोगों को जिंदा ही जला दिया गया था। क्या जिंदा जला दिया? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, यह एक ऐसा रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 12 लाख लोग टीबी से ग्रसित होते हैं, और उनमें से मरने वालों का आंकड़ा हर साल लगभग 2.5 लाख के भी ऊपर जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इस रोग का इलाज संभव नहीं है, इस रोग का इलाज भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाता है, लेकिन कई पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते। वजह सिर्फ एक ही है, शिक्षा की कमी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि जो 12 शव गांव से बरामद हुए थे उन सभी को टीबी था, और उन्हें बड़ी ही निष्ठुरता से भूखे रखने के बाद जला दिया गया था। पुलिस की तहकीकात का रुख अब एक फैक्ट्री की तरफ मुड़ गया था, जहां माधव के माता पिता काम करते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस फैक्ट्री में जाकर और जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे क्लू की तलाश में थे जिससे इन निर्मम हत्याओं के राज से पर्दा उठ सके। सर क्या ये सरपंच इतना बड़ा नेक्सस अकेला हैंडल कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई तो जरूर है,
ये सब तब पता लगेगा सुंदर जब सरपंच हमारे हाथ लगेगा। सर मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया थोड़ा अजीब है पर फोर्स आने के अप्रूवल से पहले ट्राई कर सकते हैं। चलो सरपंच साहब बहुत बैठ लिया इसी गाड़ी में, अब हमारी गाड़ी में बैठो। दरोगा ये ठीक नहीं कर रहे तुम। अरे सब ठीक है, चल चल। दरोगा भूल रहे तो ये हमारा इलाका है। भूल आप रहे सरपंच साहब, आपका इलाका पीछे रह गया। चलो अंदर चल अंदर चलो क्या नहीं है। चलो अरे तुम जानते नहीं हो। एक तो तू गैर कानूनी फैक्ट्री चला रहा था, ऊपर से तेरे ही डंपिंग ग्राउंड में जली हुई लाशें मिलती हैं और मरने वाले सभी लोग तेरी ही फैक्ट्री में काम करते थे। क्या ये सब? हाँ मैं मानता हूँ वो फैक्ट्री मेरी है, वो लाशें मेरी जमीन पर मिली थी, लेकिन सब उन सबको महामारी थी। उनको महामारी नहीं थी, टीवी थी उन्हें, जो तेरी ही फैक्ट्री में काम करने की वजह से थी। क्या ये सब मामला? सर केशव को पता चल गया है। केशव, केशव, उठाओ उसे, उठ, केशव, भाई साहब, मैं तो यहाँ माँ बापू साहब से मिलने आया था, ये कर्से के बाद उनका चेहरा देखने वाला था। देखो ना ये क्या हो, अब तक पुलिस के हाथ जितने भी सुराग लगे थे वो किसी भी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि ये पूरा अपराध इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ था कि अपराध की जड़ और कारण दोनों से ही पुलिस अनजान थी। अब भी कई सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। केशव के माता पिता समेत उन गांव वालों को किसने जिंदा जलाया था, गांव में महामारी क्यों फैली और इस पूरी योजना का सूत्रधार और सरपंच का साझेदार कौन था, इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। और इसी बीच केशव का पता चल गया और उसने जो बयान दिया उसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उस रात जब मैं फिर से माँ बापू को ढूंढने पहाड़ी पर गया तो वहां मुझे वो तांत्रिक मिला। उसने बताया कि उसने गांव वालों को नहीं मारा। और यही बात जब मैं सरला दीदी को बताने गया तो केशव, अरे रुक रुक जा रुक। ये तो तुरुक का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। तुझे तो मैंने सबसे साफ सुथरा समझा था, ये क्या कहानी है, इतनी लंबी प्लानिंग, इतना बड़ा सेटअप। सर 7 साल पहले जब मैं यहां आई तो मेरा एक ही मकसद था,
इस गांव के पानी की समस्या हल करना और यहाँ के लोगों की भलाई करना। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे तू देवी का दूसरा रूप है। मुद्दे पर आ, कहानी में सुना। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इस गांव के आसपास कुछ भी नहीं है, और अगर चलती थी तो सिर्फ एक ही आदमी की, सरपंच की। हाँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। इतना सब कुछ करके क्या मिल गया हमें? बस सरकार से एक मेडल। सरपंच से बात करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तुम्हारा प्लान क्या है? ये ऐसी जगह है जहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं। बस ये समझो कि राजस्थान के नक्शे में ये गांव है भी या नहीं, ये भी लोगों को पता नहीं। जरा सोचो, अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी जाए तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, और तो और मजदूर मुफ्त। लेकिन सरपंच, हमें सब क्यों करने देगा? फायदा, पैसा, और कौन नहीं चाहता फायदा और पैसा। सरपंच जी, आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दवा की फैक्ट्री है और गांव वालों को मुफ्त में दवा मिल जाएगी आपकी वजह से। मसीहा बनने का अच्छा मौका है, और ये ऐसा सौदा है जहां नुकसान कुछ भी नहीं, बस फायदा ही फायदा है। और भी कुछ फायदे हो सकते हैं, जरा इत्मीनान से मिलिए, समझाते हैं। तो कल से फैक्ट्री के काम में हाथ लगा दे सरपंच जी। है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता था कि फैक्ट्री में जो केमिकल हम यूज करने वाले हैं उससे गांव के लोग बीमार पड़ेंगे ही, इसलिए हमने फ्री में दवा बांटने का नाटक भी किया। गांव वालों को जो दवा हम बांटते थे उसमें पानी भरा होता था। ये बात हमने सरपंच को नहीं बताई थी। फैक्ट्री और बाकी का सब कुछ सरपंच के नाम पर चल रहा था। हमें शक तो था सरपंच की नीयत पर, और फिर तभी हम लोगों को इतने कम पैसे। बात तो 50-50 की हुई थी ना? अरे बात हुई थी, कोई लिख के तो नहीं दिया था ना? ये ठीक नहीं है। ठीक लगे तो कर, वरना तंबू बंबू उखाड़ के गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस गांव से सरपंच को उखाड़ फेंकूंगी। फैक्ट्री में धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी बीमारी जब लोगों में फैलने लगी तो मैंने ही सरपंच से कहा कि उनको गांव से बाहर निकाल दें, ताकि फैक्ट्री में रात में भी काम करवा के उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और फिर उस रात जब सरपंच ने बीमार गांव वालों को गांव से बाहर झोपड़े में बंद कर दिया था, तो मैंने और विनोद ने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया। मेहनत हम करें और पैसे वो खा रहा था। अब देखती हूँ सरपंच को, झोपड़ा जलकर राख हो गया है, और इन लाशों को उसकी जमीन पर फेंक कर आएंगे। उस दिन विनोद उन डेड बॉडीज को सरपंच की जमीन पर ठिकाने लगाने ही गया था कि वहां केशव आ गया। केशव के निकलते ही विनोद ने उन डेड बॉडीज को सरपंच के डंपिंग एरिया में डंप कर दिया, और केशव के आने से पहले ही विनोद वापस ऑफिस आ गया। हमने सोचा था इस मामले में सरपंच को फंसा कर पूरे गांव पर राज करेंगे, लेकिन सरपंच ने बड़ी चालाकी से सारे मामले को तांत्रिक की तरफ मोड़ दिया। केशव को क्यों गायब कर दिया था तुम लोगों ने? और कौन से लाशें उठ के बोलेंगे कि हमने उन्हें जलाया है? और रही बात सरपंच की, तो कानून को सबूत चाहिए जो वो दे नहीं सकता। केशव, अरे रुक, रुक जा, रुक। ये तो तुरुप का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। जरा से पैसों के लालच में तुम लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतने सारे मासूम लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इंसानियत को भी शर्म आएगी तुम लोगों पर। कोर्ट से मिलने वाली मौत की सजा बहुत कम है तुम लोगों के जुर्म के सामने। चंद रुपयों के लालच में कई बहुमूल्य जिंदगियों को आग के हवाले कर दिया गया। भिनमल गांव में रहने वालों के लिए गरीबी और भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया सरला और सरपंच ने। केशव के साहस की वजह से ना सिर्फ सरपंच और सरला के तांडव से पर्दा उठा, बल्कि कई और लोगों को भी बचाया गया। अगर केशव साहस ना दिखाता तो शायद इन लोगों का भी वही हश्र होता जो बाकियों का हुआ। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन इंसान की भूख अगर उसकी आंखों में उतर जाए और अपने घर को भरने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लिया जाए तो स्वार्थ के घड़े भर तो जाते हैं, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। माना कि जिंदगी संघर्षों से भरी है,
लेकिन दूसरों को छलने वाले जब पछतावे की आग में सुलगते हैं तो अपने आप को कोसने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। साहब परवीन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ये देखिए साहब, बहुत मारा साहब, मुझे बहुत मारा। पिछले हफ्ते उसने कहा था कि तूने उसे मारने की कोशिश की। साहब वो सब झूठ था। झूठी शिकायतें तो तुम दोनों लाती हो, अब तक तुम्हारे खिलाफ तीन और तुम ये उसके खिलाफ चौथी करने आ गई। नहीं साहब मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे जख्म देखे साहब, वो सच्चाई मेरी बयान कर रहे हैं। उसने तो गुंडे भेजे थे मुझे मरवाने के लिए, आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है साहब। अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की ना साहब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तुमने मरियम को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे? नहीं साहब, वो मरियम झूठ बोल रही है। लेकिन उसने तो बोला कि तुम्हारे भेजे गुंडों ने तुम्हारे नाम से उसको धमकाया, जान से मारने की कोशिश भी की। गुंडे तो मरियम के वो दोनों मुस्टंडे बेटे हैं, जो हम दोनों बहनों का रोज पीछा करते हैं। घर से निकलना तक मुश्किल करके रखा है दोनों ने हमारा। चल ऐसा करते हैं, हमारे सब्जी चला लिया। लोमड़ी की नस्ल सालो, अगर हमारा पीछा किया तो सब देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो क्या, सब लोग सिर्फ देख ही रहे, कोई ना पकड़ के मारता क्यों नहीं है? चल यहाँ से साहब, उनकी शिकायत हम आपसे ना कर दे इसीलिए ये दाव खेला है उसने। पाटिल, कामिल और उसकी बीवी मरियम को पुलिस स्टेशन बुलाओ सर। और तुम भी पुलिस स्टेशन आओ, आज या तो तुम लोगों की सुलह होगी या सबके सब लॉकअप में होंगे। साहब मैं जो साहब ना मैं क्या मैं मत कर, इन सब का मुखिया है तू, अगर अपना कुनबा संभालने का बूता नहीं है तो दो शादियां क्यों की? मुझे नहीं पता था कि ये रश्मि शौक मेरी इज्जत तार तार कर देगा। ईमान की कसम खाता हूँ साहब कि मेरे अंदर इंसान है। तो क्या हम जानवर है हा? पर अपनी इस लोमड़ी को संभाल ले। हा? अरे लोमड़ी होगी तू, अगर तेरे अंगूर खट्टे निकले इसका मतलब ये नहीं है तू किसी और की मिठास छीनेगी। अरे छीना तो तूने है हमारा सुकून, तेरे वो बेगैरत लौंडे सरेआम मेरी लड़कियों का दामन खींचते हैं। तू और तेरी लौंडियों ने ना अगर अपने बुरके संभाले होते तो संभाले वरना मैं मुंह लूं छोड़ूंगी। बस आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद अगर तेरी बीवियां बेटियां या बेटे कोई भी झूठी शिकायत लेकर यहाँ आए और हमारा टाइम बर्बाद किया तो उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई। हाँ माजिद, कुछ सुलह हुई? ये मसला सुलझने वाला नहीं है माजिद भैया। दोनों ही सुलग रही हैं, लगता है मुझे अब कुछ दूसरा ही तोड़ निकालना पड़ेगा। तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा दिल फेक बाप उस घर को उन्हीं के नाम कर देगा। अब ये घर में अपने नाम करा कर ही दम लूंगी। अम्मी, ये बात तो तुम तब से बोल रही हो जब से तुम्हारे शौहर इस घर से गए, लेकिन इस बार मेरा दांव खाली नहीं जाएगा। लेकिन अम्मी आप करने क्या वाली हो? उसे अपनी लौंडियों की आबरू की बहुत फिक्र है ना, लेकिन इस बार वो वहां से बेआबरू होकर निकलेंगी। हाँ यही ठीक रहेगा अम्मी, उसके दोनों बेटों को रेप चार्जेस में अंदर करवा देंगे हम। लेकिन अम्मी पुलिस को यकीन कैसे दिलाएंगे कि वो तीनों धंधा करती हैं, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं उनके। इस झूठ को सच बना के परोसने का क्या अंजाम हो सकता है, कभी सोचा है तुम दोनों ने? जो अंजाम हम भुगत रहे हैं उसे बदलने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम अपनी हद में रही होती अम्मी तो हमारी जिंदगी का ये अंजाम कभी नहीं होता। आपा, जो हो गया उसे दोहराने का वक्त नहीं है, ये बदला लेने का वक्त है। ये क्या बना दिया तुमने आलिया को अम्मी? तू भी मेरी ही बेटी है, मैं भी तेरे जैसा ही सोचती थी, पर अब जो कुछ भी करने जा रही हूँ उसमें हम सबका ही भला है। गलत रास्ते से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती अम्मी। तो क्या जिंदगी भर अपनी बदहाली पर रोते रहेंगे हम? खून के आंसू रुलाने के लिए खून के खून भी पीने पड़ते हैं और खून बहाना भी पड़ता है। अम्मी हम आपके साथ हैं। लेकिन अब्बू, माजिद मियां वो दोनों रुकने वाले नहीं है, पुलिस अब उन्हें नहीं मुझे तोड़ेगी और मुझे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी।
तो फिर आगे क्या सोचा है? अब जो सोचा है वही होगा। अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया तो गलत का साथ कभी नहीं दूंगी अम्मी। जैसे एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से दोहरी शख्सियत रखने वाले कभी भी एक सुकून भरा आशियाना नहीं बना सकते। घर में चार बर्तन होंगे तो खनकेंगे ही। इस कहावत से ज्यादा विषैला मुहावरा है अपनी ही थाली में छेद करना। जब अपने ही अपनों की शय और मात में दिलचस्पी लेने लगे तो रिश्तों की बिसात पर शुरू होता है नफरत का खेल। भाई साहब परीक्षा के पीछे चलना। क्या हुआ, मेरी शक्ल भी भूल गई? हेलो, हट जाओ, हटो हटो, साइड हटो, हटो सामने सर। सर, दोनों के गले पे काला नीला मार गया, शायद गला घोट के मारा गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। दोनों लड़कियों की माँ परवीन घायल है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये सारा खाने पीने का सामान भी फॉरेंसिक में भेजो। सर ये असलम, ये इनके घर में ऊपर भाड़े पे रहता है, इसी ने हमें कॉल किया था। सर मुझे नहीं पता कि आंटी कहाँ पर है, मैंने तो आलिया और फातिमा के डेड बॉडीज देखी तो 100 नंबर पे कॉल कर दिया बस। वो तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ना, तो यहाँ से शोर शराबे की झगड़े की तोड़ फोड़ की आवाज़ तो सुनी होगी। सर इनके यहाँ तो रोज तो झगड़ा होता था, इनफैक्ट सर कल भी हो रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। कल रात घर के आसपास इनके बाप भाई दोस्त रिश्तेदार या कोई शकमंद किसी को देखा? नहीं सर, मैं जॉब पे से आता हूँ और सीधा सो जाता हूँ। क्या काम करता है? सर डोमिनिक में पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ, सुबह कॉलेज आता हूँ और इवनिंग शिफ्ट में जॉब करता हूँ। सुबह सबसे पहले लाशें तूने देखी? हाँ सर, मैं सुबह रेंट देने के लिए आया था तो देखा कि इनका दरवाजा खुला था। और कब से किराए पे रह रहे? तकरीबन एक साल से। सर पड़ोसियों ने भी यहाँ किसी अनजान या परवीन के पति कामिल या उनके बेटे जुनेद और वसीम और मरियम को भी यहाँ पे नहीं देखा। लेकिन ये कांड मरियम और उसके दोनों बेटों का ही किया धरा है, सबको लेके आओ और उस परवीन के पति कामिल को भी। सर दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर खा जाता है, इस कहानी का ये सबक हम सब ने बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन जानवरों का तर्क देकर इंसान को समझाना हमेशा कारगर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कुछ इंसानों की प्रवृत्ति जानवरों से भी बदतर होती है और आलिया और फातिमा की हत्या ऐसी ही पशुता का प्रमाण था। लेकिन उनकी हत्या में किसका क्या फायदा और कैसा मकसद छुपा था और उनकी माँ परवीन इस वक्त कहाँ थी? इन सवालों के जवाबों की तलाश में पुलिस का परिचय इन माँ बेटियों की जिंदगी के ऐसे पहलुओं से होना था जो इस केस को 4 साल पीछे ले जाने वाला था। आलिया और फातिमा तुम्हारी सगी बेटियां नहीं थी? वो परवीन के पहले शोहर सादिक की बेटियां थी। ये सादिक कौन? सादिक हमारे होटल पे सब्जी सप्लाई करता था, परवीन कभी कभी पैसे लेने आती थी, तभी से हमारी बोलचाल है।
तो तुमसे निकाह करने के लिए उसने अपने शौहर को तलाक दे दिया? नहीं नहीं, तलाक नहीं साहब, सादिक का तो 4 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मुझे उस बेवा पे तरस आ गया और मैंने निकाह कर लिया। लेकिन फातिमा और आलिया को भी मैं अपनी ही औलाद समझता था, और आप मुझ पर शक करें कि मैंने उनको मारा है। परवीन अब कहाँ है? मैं भी उसकी गुमशुदगी से हैरान हूँ साहब। हमें हैरान करके कोई फायदा नहीं है साहब, इन हत्याओं की जो असली जड़ है उसे ढूंढिए। तू कहना चाहती है परवीन ने अपनी बेटियों को मार दिया? अरे साहब, वो औरत नहीं थी, दल्ली थी, दल्ली अपनी बेटियों से धंधा करवाती थी। ये भी तुम्हारे पिछले आरोपों की तरह झूठ है, बल्कि सच ये है कि अपनी माँ के कहने पर तुम दोनों ने मिलकर आलिया और फातिमा का मर्डर किया। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उन्हें, हम सच बोल रहे। हमने अपनी आंखों से आलिया को कई बार अलग अलग कस्टमर के साथ देखा है। आलिया को किसी के साथ देख लिया तो उसका यह मतलब है कि वो प्रोस्टिट्यूशन करती थी। और फातिमा? फातिमा तो अपनी माँ के और बड़े धोखे का शिकार हुई। कैसा धोखा? 6 महीने पहले उसकी मंगनी हारून से हुई। हारून? वो निकाह तो फातिमा से करना चाहता था, पर उससे इश्क परवीन लड़ा रही थी। परवीन, फातिमा को इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई पता चल गई, इसीलिए उसने हारून से रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए वो परवीन को छोड़कर हमारे साथ रहने लगा। मुझे तो लगता है कि परवीन अपनी दोनों बेटियों को मारकर हारून के साथ भाग गई। मरियम और तेरे बेटे के आरोपों में कितनी सच्चाई है? साहब, मेरे जख्म मत कुरे दिए, हाथ जोड़ता हूँ आपके। हाथ मत जोड़, सच बोल, वरना ये हाथ पैर सब टूट जाएंगे। मैंने परवीन से सच्ची मोहब्बत की थी। तो फिर परवीन और उसकी बेटियों को छोड़ने की वजह क्या थी? साहब, जो उन्होंने कहा है आप वही समझ लो। मतलब तू अपनी जबान नहीं खोलेगा? मैं अपनी जबान से उनकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहता। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। परवीन, आलिया और फातिमा के साथ साथ इनकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ और पता लगाओ ये हारून कौन है। सर सर, मैंने आलिया और फातिमा के मोबाइल चेक किए, दोनों फोन से कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच परवीन के नंबर पर बहुत कॉल हुई, लेकिन परवीन ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। इसका मतलब उनका मर्डर रात 12 बजे के बाद हुआ। सर एक बात और, फातिमा के मोबाइल स्क्रीन पे उसकी फोटो एक लड़के के साथ है, ये देखिए। अटिल, कहीं यही हारून तो नहीं? मरियम ने जो सिक्का उछाला उसके एक तरफ परवीन तो दूसरी तरफ हारून का जिक्र आया। इनके नाजायज रिश्ते को आलिया और फातिमा की हत्या की वजह बताया गया, साथ ही साथ आलिया और फातिमा के चरित्र पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। जब आग लगाने वाले राख को कुरेदने की बात करते हैं तो लगता यही है कि झूठ को शीशे में उतारा जा रहा है, लेकिन कभी कभी सच के पैमानों में भी झूठ के जाम भरे होते हैं। सर, परवीन के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी हत्या से पहले शाम 5:30 बजे दहीसर के एक पीसीओ से उसे कॉल आया, जिसके बाद वो शाम 6:30 बजे वहां पर पहुंची, और सर उसी रात 1 बजे तक उसका फोन वहां पर एक्टिव रहा और उसके बाद बंद हो गया। उस रात कामिल, मरियम और उसके दोनों बेटों के फोन की लोकेशन कहां थी? मरियम की फोन लोकेशन उसके नया नगर वाले घर की थी। कामिल, जुनेद और वसीम अपने काशीमीरा वाले होटल के पास थे। पाटिल, इनका सोचा समझा षड्यंत्र हो सकता है, और पीसीओ से फोन करके परवीन को दहीसर बुलाना इन हत्याओं को अंजाम देने की चाल। ये सब देड़छण है, फोन लोकेशंस को लेकर के इनको शक के दायरे के बाहर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन सर, आलिया और फातिमा के मोबाइल से रात 9 से 12 बजे के बीच में जो कॉल हुए थे वो? ये भी एक साजिश हो सकती। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा ना कि ये सारे कॉल्स उनके मरने से पहले हुए या मरने के बाद। वैसे इन माँ बेटियों की सबसे ज्यादा बात किससे होती थी? सर, आलिया के मोबाइल से उसके कॉलेज के जिशान नाम के लड़के को कॉल ज्यादा होते थे, और फातिमा के मोबाइल से हारून को। इस जिशान को भी बुलाओ, और ये हारून का बार। सर, मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रहा कि अब फातिमा। तेरे आंसू सच्चे हैं या घड़ियाली? सर, जिसने आपके मन में गलतफहमी पैदा की है, उसने 6 महीने पहले मेरे और फातिमा के बीच में भी गलतफहमी पैदा की थी। तो तेरे और परवीन के बीच कोई रिश्ता नहीं था? सर, वो मेरी माँ थी। थी मतलब? उसे भी मार दिया? सर, मैं क्यों मारूंगा, और वैसे भी जब ये सब कुछ हुआ तो मैं मुंबई में भी नहीं था। तेरे फोन की लोकेशन तो मुंबई से बाहर की थी,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तू यही हो और तेरा फोन कोई पुनः लेकर गया हो। परवीन की बॉडी ठिकाने लगा दी या परवीन ने तेरे साथ अपना ठिकाना बदल लिया? सर आप गलत कह रहे हैं। तो तू बोलना सही क्या है, ऐसा क्या जादू किया तूने फातिमा पर जो 6 महीने पहले तुझे परवीन के साथ हम बिस्तर देखने के बाद भी पिछले 1 महीने से वो तेरे टच में थी, तेरे साथ सेल्फीज, प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस? सर 6 महीने पहले फातिमा ने मुझे नहीं बल्कि मैंने फातिमा को छोड़ा था, क्योंकि सर मरियम ने यह कहकर मेरे कान भरे थे कि फातिमा कैरेक्टरलेस थी। मैं सच कह रही हूँ, फातिमा का कई लड़कों के साथ चक्कर है, उसकी माँ और बहन ना किसी से कम नहीं है। लेकिन आप तो उनकी बड़ी माँ है ना। मैं उन्हें कुछ नहीं मानती और तुझे इसलिए आगाह करने आई हूँ कि कल को तुझे बलि का बकरा बना के कहीं पैसे ना ऐंठ ले। लेकिन सर 1 महीने पहले मरियम और उनके दोनों बेटे जुनेद और वसीम की सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर हमारा पीछा किया तो आलिया सब देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं तो क्या, सब लोग सिर्फ देख ही रहे, कोई ना पकड़ के मारता क्यों नहीं है? उसके बाद मैंने खुद सच का पता लगाया। सर वो लोग उनको जानबूझकर बदनाम कर रहे थे ताकि वो लोग परेशान होकर ये शहर छोड़ दें और वो उनका घर हड़प लें। ये तुझे बताया किसने? आलिया ने। और फातिमा तो इतनी स्वाभिमानी थी कि वो अपनी अम्मी और बहन को कहती थी कि उनको जो कुछ भी चाहिए वो दे दो। सर फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी। फातिमा, आई एम सॉरी फातिमा, फातिमा वो फातिमा, फातिमा, फातिमा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने मरियम की बातों में आके कल को मुझसे निकाह करके फिर से मुझ पे शक किया तो? नहीं फातिमा ऐसा नहीं होगा आगे। फातिमा ये सब तमाशा मत करो। फातिमा प्लीज मुझे एक मौका दे दो, एक मौका बस, मैं जिंदगी भर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने उसे गलत समझा, उसके बाद भी उसने मुझे माफ कर दिया। सर 7 अगस्त की रात 12 बजे के आसपास आलिया और फातिमा की हत्या हुई, गला घोंट के मारा गया, लेकिन हत्या से पहले उन्हें बेहोशी दबा दी गई जो उनके घर से बरामद हुई फिश करी में मौजूद थी। पटेल इसका मतलब है कि किसी ने पर्पसली उनको फिश करी खिला के बेहोश किया और फिर उनके फोन से परवीन को कॉल्स किया। हो सकता है उसका मकसद परवीन को घर बुलाना रहा होगा, लेकिन परवीन नहीं आई और आलिया और फातिमा को होश आ गया। या फिर ये भी हो सकता है कि यह हारून और परवीन की साजिश हो, शायद परवीन ने ही आलिया और फातिमा को बेहोश किया और घर से निकली। अपना फोन दहिसर में किसी के पास छोड़ा और वापस आई, फिर अपने ही बेटियों के फोन से खुद के नंबर पर कॉल्स किए। उनकी ये प्लानिंग पिछले 1 महीने से चल रही थी, वो खुद ही फातिमा के मोबाइल से हारून को कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी ताकि जब हारून अपना बयान दे तो हारून पे भी शक ना जाए। सर मैंने हारून की अलीबाई चेक की, मर्डर वाली रात वो पूना में ही था। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं कि परवीन और उसकी बेटियां मरियम और उसके बेटों के बदले का शिकार हो गई? हो सकता है इन्होंने परवीन को मार के ठिकाने लगा दिया हो ताकि हम परवीन को अपनी ही बेटियों का मर्डरर समझ के ढूंढते रहे। सर मैंने परवीन, फातिमा और आलिया की बैंक स्टेटमेंट चेक की, आलिया के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं जबकि उसकी माँ और बहन के अकाउंट में 6,000 और 7,000 रुपए। इस आलिया के बॉयफ्रेंड जीशान का क्या स्टेटस? सर मेरी उससे बात हुई है, कॉलेज के बाद आ जाएगा। सर आलिया मेरी अच्छी दोस्त थी, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे इसलिए अक्सर हमारी बातें हुआ करती थी। तेरा अफेयर था उससे? जी सर। आलिया तुझसे उधार उधार भी मांगती थी क्या? नहीं सर, लेकिन आप ये सब। आखिरी बार कब मिले थे उससे? सर 7 या 8 अगस्त को। 8 को नहीं 7 को, क्योंकि उस रात उसका मर्डर हो गया। लेकिन सर मैं शाम को थोड़े टाइम के लिए मिलने गया था उससे। चलता हूँ यार। नहीं, डिनर करके जाना, आज फिश करी का प्रोग्राम है। तू बना रही है? नहीं मैं नहीं, कोई और आ रहा है। कौन? मेरा बॉयफ्रेंड।
मतलब मेरे अलावा कोई और भी है? बहुत है सर, मुझे नहीं पता आलिया की जिंदगी में और कौन कौन था। कोई भी हिंट जो उससे कभी मिला हो, उसे छेड़ता हो। साबुन, वो झूठ बोल रहा है। मैं कभी उसके कॉलेज नहीं गया। निशानी नहीं, हरुण ने भी तुम दोनों को उन्हें परेशान करते हुए देखा था। हरुण परवीन की पढ़ाई बोल रहा है, ये परवीन की चाल है, दोनों मिले हुए हैं सर। तुम कहना चाहती हो कि उसने ही अपनी दोनों बेटियों को मार दिया, लेकिन इसमें फायदा तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे शौहर के नाम का वो मकान अब तुम्हारा हो जाएगा। साहब, परवीन चाहती थी मैं मीरा रोड वाला घर उसके नाम कर दूं। तो तूने क्या किया? कामिल उसके साथ रहता जरूर था, पर उसने उसे निकाह नहीं किया था, फिर वो किस हक से घर मांग रही थी? तो इस बारे में तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले ही मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे थे, मैं डर गया। वो औरत इतना गिर गई थी कि एक दिन मेरी और कामिल की गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस गई अपनी बेटियों के साथ। मुझे नहीं जाना है। ये सब क्या हो रहा है यार? खाला, हमने कुछ नहीं किया, ये लोग जबरदस्ती घर में। ना बेटा, मैंने सब देख लिया। क्या देखा? लड़कों ने मेरी लड़कियों के साथ। चुप, झूठ मत बोलना। साहब, वो तो जीनत की वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना तो वो औरत हमारे बेटों को बदनाम करने की सोच कर आई थी। हाँ, ये सच है, मरियम और उसके बेटे कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकते, और जिस रात कत्ल हुआ उस रात मरियम मेरे साथ मेरे घर पे ही थी। साहब, उस रात मेरा पार्टनर कामिल और उसके दोनों बच्चे यहीं थे, उसके बाद हम सब साथ में घर गए। सब मरियम और उसके बेटों ने यह भी बोला था कि परवीन अपनी बेटियों से धंधा करवाती थी, फिर उनको मारने के बाद अपने आशिक के साथ भाग जाने का मोटिव। हो सकता है कि मरियम के बेटों को बदनाम करने की चाल नाकामयाब होने के बाद फातिमा ने उसका विरोध किया हो, आलिया ने भी उसका साथ दिया। तो इस थ्योरी के हिसाब से परवीन का मोटिव समझने के लिए हमें परवीन के कैरेक्टर को समझना होगा। पता लगाओ कामिल की जिंदगी में आने से पहले परवीन का अपने स्वर्गीय पति सादिक के साथ रिश्ता कैसा था, और साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि हत्या से पहले पीसीओ से किसने परवीन के मोबाइल पर फोन किया था। सर, जिस पीसीओ से परवीन को कॉल हुई थी उसके सामने वाली शॉप की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। मैंने उसे कॉल किया था, पर साहब हमने मारा नहीं। कॉल किस लिए किया था? हेलो, तेरी बेटी जिस जिसके साथ सोती है उन सबके साथ फोटो है मेरे पास। कौन बोल रहा है? पहले मेरी बात सुन, अगर तू चाहती है वो फोटोग्राफ्स तेरी दुश्मन मरियम के पास ना जाए तो मुझसे आकर मिल। साहब, उसे हमने एक गेस्ट हाउस में बुलाया था पर वो आई नहीं। साहब आई नहीं, या उसको किडनैप करके आलिया और फातिमा को मार दिया तुमने? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। आलिया के वो फोटोग्राफ्स का? साहब, वो हमने झूठ बोला था। हाँ, लेकिन ये सच है कि आलिया धंधा करती थी। तो उसे बुलाया किस मकसद से था? वो साहब, वो हम उसको बेहोश करके उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स लेने वाले थे ताकि उसको ब्लैकमेल करके अपने अब्बू जान का घर खाली करवा लें। मतलब परवीन आई थी, लेकिन तुम लोग जो चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसलिए उसे मार दिया। सर, जिस गेस्ट हाउस में जुनेद ने परवीन को बुलाया था वहाँ जुनेद और वसीम ने रूम तो लिया था, लेकिन गेस्ट हाउस के स्टाफ ने वहाँ परवीन को नहीं देखा, और वो दोनों भी रात 9 बजे वहाँ से चेकआउट करके चले गए।
वसीम, जुनेद और मरियम, इनसे इनका 36 का आंकड़ा था। लेकिन मर्डर से पहले फिश करी में बेहोशी की दवा मिलाई गई, यानी ऐसा कोई शख्स भी वहां मौजूद था जो आलिया और फातिमा का करीबी था। सर, ये लोग बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि आलिया प्रोस्टिट्यूशन में थी, उसके अकाउंट में इतना पैसा होना, कहीं सर इस मर्डर में उसके किसी कस्टमर का तो हाथ नहीं? वसीम और जुनेद ने आलिया को जिस जिस गेस्ट हाउस के बाहर देखा है, वहां पता करो वो किन किन से मिलती थी। पुलिस एक तरफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार आलिया के बैंक अकाउंट में इतना पैसा होने का असल राज क्या था, और साथ साथ आलिया से जुड़े रहस्यों का भी खुलासा हो गया। सर, आलिया अलग अलग आदमियों के साथ नहीं, सिर्फ इस अकेले के साथ मीरा रोड के गेस्ट हाउस में टाइम स्पेंड करती थी। बता दो साहब, आलिया मुझे 6 महीने से बेवकूफ बना रही थी साहब। सब वो कामिल से मिलने आती थी, मैं उसकी खूबसूरती देख के फिसल गया था। मुझे लगा कि मैं भी उसे पटा सकता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे उस पर चांस मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे निकाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन वो मुझसे निकाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका लफड़ा पहले ही जिशान से चालू था। इसलिए तेरी जल गई और तूने उसे मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। उस रात तो साहब मैं होटल में ही था। लेकिन जिस रात उसका मर्डर हुआ, तूने उसे अपना स्पेशल फिश करी भिजवाया था। कौन सा डिलीवरी बॉय लेकर गया था? बोल बोल, कौन लेके गया था? सब मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ साहब, कोई फिश करी नहीं भिजवाई साहब मैंने, कोई फिश करी नहीं भिजवाई। पुलिस इस केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और परवीन की तलाश में उसका अतीत भी खंगाला जा रहा था, जिसके लिए पुलिस उसके पहले पति के घर भी पहुंची। जी बोलिए। जी हमें सादिक और उसके बीबी परवीन के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। सादिक है, वेजिटेबल सप्लाई की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। 5 साल की कैद हुई थी, अभी 1 अगस्त को ही रिहा हुआ है। मतलब परवीन ने कामिल से झूठ बोला कि सादिक का इंतकाल हो गया। सादिक इस हत्याकांड से 1 हफ्ते पहले ही बाहर आया। कहीं सर उसी ने तो बदला लेने के लिए कांड तो नहीं किया? परवीन का पहला पति जिंदा भी था और एक क्रिमिनल भी था। यह खुलासा इस केस का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन परवीन की गुमशुदगी और उसकी बेटियों की हत्या में सादिक का क्या रोल हो सकता था, ये जानने के लिए पुलिस सादिक की तलाश में जुट गई। लेकिन इस केस में कई और घुमाव आने अभी बाकी थे। सर, सादिक को परवीन के भाड़ोत्री समेत कई लोगों ने वहां देखा था। वो परवीन के घर के पास किराए का रूम लेने के बहाने एक स्टेट एजेंट से मिला था, जिसने सादिक को परवीन का मोबाइल नंबर दिया था। हो सकता है कि ये फिश करी का प्रोग्राम जेल से छूटे हुए बाप से मिलने की खुशी में हो। इस सादिक के बाप का फोन भी सर्विलेंस पे डलवाओ। सर,
अंदर देखो कौन है। अगर तू चाहती है वो फोटोग्राफ्स तेरी दुश्मन मरियम के पास ना जाएं, तो मुझसे आकर मिल। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? जब मिलेगी तो पहचान जाएगी। आना कहाँ है? भाई साहब परीक्षा के पीछे चलना। मैंने उसका पीछा किया साहब, और जैसे वो रिक्शा से उतरी वो मेरे सामने आ गया। क्या हुआ, मेरी शक्ल भी भूल गई? मुझे लगा कि सादिक ने ही मुझे फोन करके वहां बुलाया है। साहब मैंने सिर्फ उसका पीछा किया, मैं किसी जुनैद को नहीं जानता। बस मैं अपनी बेटियों के सामने उसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए उसने मुझे धमकाया और अपने साथ ले गया। बैठ। साहब उस औरत ने मुझे धोखा दिया, मुझे कैद क्या हो गई, ये कहने लगी कि मैं मर गया हूं, और वो कामिल के साथ रहने लगी। तुमने कामिल से झूठ क्यों बोला कि सादिक मर चुका था? बोलो। साहब उस औरत ने मेरे जज्बात से खेला, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, और मुझे पता है वो कामिल को भी उसने पागल बनाया होगा पैसे हड़पने के लिए। ये सच नहीं है, मैं मानती हूँ कि मैंने कामिल से झूठ बोला, पर मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती थी साहब। लेकिन तूने उसे ही नहीं अपनी बेटियों को भी धोखा दिया। फातिमा के होने वाले शौहर के साथ तेरा रिश्ता था, पैसों के लिए अपनी बेटियों की इज्जत नीलाम करती थी, धंधा करवाती थी उनसे। ये झूठ है साहब, ये झूठ है। तो फिर कामिल ने तुझे छोड़ा क्यों? कामिल ने मुझे नहीं छोड़ा साहब, बल्कि मैंने खुद उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। उसने मेरे जज्बात से खेला, निकाह तक नहीं किया मुझसे, क्योंकि उसकी नियत मेरी बेटी ऊपर थी। माना मैंने कामिल से झूठ बोला, लेकिन सादिक के जेल जाने के बाद मैं कैसे अपनी बेटी और अपना पेट पालती? सादिक के बाप ने भी हमें सहारा नहीं दिया साहब, सब मर्द एक जैसे होते हैं, सब मर्द। कामिल तो सादिक से भी बदतर निकला। सब फातिमा और आलिया मेरी अपनी बेटियां थी साहब, और आप कह रहे मैंने उनका मर्डर किया। हाँ, उनका मर्डर हुआ है। मारने से पहले उन्हें बेहोश किया गया, जो फिश करी उन्होंने खाई थी उसमें पुलिस ने परवीन को सादिक के जुल्मों से तो बचा लिया, लेकिन अपनी बेटियों की हत्या की खबर सुनकर परवीन की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई। सादिक ने परवीन के साथ किए अत्याचार को तो स्वीकारा, लेकिन ये कबूल नहीं किया कि उसने अपनी बेटियों का मर्डर किया है। परवीन के बयान से शक की सुई कामिल पे भी आई, उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया। साहब आलिया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, मैं उसे अपनी बेटी मानता था। अच्छा, मेरा यकीन करो साहब, उसने मुझे रेप के इस इल्जाम में फंसा कर परवीन की नजर में गिरा दिया, और फिर पुलिस कंप्लेंट की धमकी देकर मुझसे 1,00,000 रुपए ऐंठ लिए। आलिया की दोस्ती उसके कॉलेज के एक लड़के जिशान से थी, वो उसी से मिलने जाया करती थी। लेकिन आलिया माजिद से भी मिल रही थी, माजिद तो उसको अपनी दूसरी बीवी बनाने की सोच रहा था। ये बिल्कुल झूठ है साहब। अच्छा ये बताओ, उस रात जब तुम घर से निकली थी तो अपनी बेटियों के लिए फिश करी बना के निकली थी? फिश करी नहीं तो,
हाँ, हमारा प्लान था उस रात फिश करी खाने का। हम हर संडे फिश करी खाया करते थे। अम्मी, इसकी जैसी फिश करी और कोई नहीं बना सकता। सच में बहुत टेस्टी फिश करी बनाते हो तुम। सर सर, मैंने सिर्फ फिश करी बनाई, मैंने मर्डर नहीं किया साहब। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया सर। मेरी जमानत तो हो गई पर मेरे बेटे अभी तक अंदर है। ये कल ही जमानत पे रिहा हुई है और आज आप फिर से? आपा को कितनी बार अंदर बाहर कराओगे आप लोग? जीनत, माजिद ने बताया कि तुझे उसकी अय्याशियों की कोई खबर नहीं थी, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है ना? ये किसने फोन किया? वेंडर का नंबर है, लो चेक कर लो। मुझ पे शक मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ 20,000? अब और नहीं है मेरे पास, मैं तुमको नहीं दे सकता आलिया। देने तो पड़ेंगे माजिद, वरना मैं तुम्हें मॉलेस्टेशन के चार्ज में अंदर करवा दूंगी। आलिया माजिद को ब्लैकमेल कर रही थी और माजिद ये बात मुझसे छुपा रहा था। मुझे लगा कहीं मेरी हालत मरियम जैसी ना हो जाए, इसलिए उनसे निजात पाने के लिए मैंने असलम को मोहरा बनाया, असलम की गरीबी के फायदा उठाया। और नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। देख, एक बार ये काम कर ले, फिर नौकरी छोड़ के चैन से पढ़ाई कर सकता है। मैंने किसी तरह असलम को मना लिया था। आंटी कहाँ पे? वो अभी आ रही हैं थोड़ी देर में। तुम रुको, आज फिश करी मैं ट्राई करती हूँ, तुमको देख देख के सीख लिया है मैंने। लाओ। अरे नहीं, तुम रहने दो, आज मैं इसे एक नए फ्लेवर से बनाने वाला हूँ। ओके। मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल, अगर वो जिंदा रही तो तेरी फिश करी वाली चाल पकड़ी जाएगी। मैं क्या करूं, वो आई नहीं, इन लोगों ने फिश खा ली। एक काम कर, परवीन को फोन लगा, कब तक आ रही पूछ, और जैसे ही वो आएगी ना उसको भी समझ गया ना। और ये अपने फोन से नहीं, उनके फोन से लगा। उठा नहीं रही वो। बस बस, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो, तुमको जिससे बदला लेना था वो मर गई है, चलो निकलो यहाँ से। गलत रास्ते से कभी किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं बनती अम्मी। तुम्हें कामिल जी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें सब सच बता दो। अगर वो सच में तुम्हारी परवाह करते होंगे तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन झूठ से मुझे समझाएगी? हाँ? और खबरदार, अगर तेरी जबान पर ये सच आया कि तेरा बाप जिंदा है, मुझे माफ कर दे फातिमा। अगर मैंने तेरी बात समझी होती तो परवीन ने अपनी मुश्किलों का समाधान झूठ से करना चाहा, और शायद इसीलिए आलिया को भी ये राह आसान लगी। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उसी तरह से फातिमा भी अपने करीबियों के अवगुणों का शिकार हो गई, और परवीन अपने आप को कोस कर भी अब इस कड़वी हकीकत को बदल नहीं सकती। जिंदगी के उतार चढ़ाव से हम सभी गुजरते हैं,
लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए चाहे हमें संघर्ष के पहाड़ ही क्यों ना चढ़ने पड़े, लेकिन झूठ और फरेब के शॉर्टकट्स हम कभी ना अपनाएं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आप सब से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1:15 को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।